हरभजन को आया पाकिस्तान पर प्यार, पर पाकिस्तान का असली दुश्मन अंपायर नहीं बल्कि दुबई में बैठा है। नवाजनी की सेटिंग, अफरीदी बने विभीषण और ध्वस्त हो गई बाबर के सपनों की वर्ल्ड कप जीतने वाली लंका। जिसने मोदी को दिखाई उसके लिए शाह ने क्यों बजवाई ताली, अब आया समझ पाकिस्तान का खेल खत्म है। हिंदुस्तान में 24 घंटे से इस बात पर बवाल चल रहा है कि पाकिस्तान टीम की हार गलत हुई है, अंपायर ने गलत आउट नहीं दिया होता तो पाकिस्तान नहीं हारती, और इसकी शुरुआत की है हरभजन सिंह ने, जिसके बारे में लोग लिख रहे हैं लगता है कि हरभजन को भी हूरों से प्यार है। पर पाकिस्तान की हार के स्क्रिप्ट हिंदुस्तान की पिच पर नहीं बल्कि दुबई के आलिशान घर में बैठकर लिखी गई है, जिसे सुनकर हो सकता है कि हरभजन सिंह भी हैरान रह जाएं। ये बेटिंग फैक्ट नाम के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट है जो लिखता है, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज पर यह आरोप लगाया कि वो शाहीन अफरीदी के साथ मिले हुए हैं ताकि बाबर को इस वर्ल्ड कप में सबसे खराब कप्तान समझा जाए। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान टीम के कप्तान बनना चाहते हैं। बाबर और कोच दोनों का ये कहना है कि शाहीन इसी वजह से टीम को जानबूझकर हरवा रहे हैं। अब इन दावों में कितना दम है इसे समझने की कोशिश करते हैं। शाहीन अफरीदी जो शुरुआती ओवर में विकेट चटकाने के लिए मशहूर हैं, वो इस बार वर्ल्ड कप में शुरुआत में नहीं बल्कि लास्ट में विकेट ले रहे हैं ताकि परफॉर्मेंस भी बना रहे और सवाल भी ना उठे। शाहीन अफरीदी के ससुर शाहिद अफरीदी जो दुबई में बैठे हैं, वो लगातार शाहीन को फोन कर डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे गेंद करनी है, क्या करना है, इस बात को उन्होंने खुद स्वीकारा है। अब आप कहेंगे कि शाहीन का फायदा तो कप्तान बनकर हो जाएगा, क्रिकेट से संन्यास ले चुके इनके ससुर शाहिद अफरीदी को क्या मिलेगा, तो ये भी समझ लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े लेवल पर बदलाव होने वाले हैं। शाहिद अफरीदी पीसीबी चेयरमैन के लिए फिर देखते हैं। इस लिस्ट में शोएब अख्तर का भी नाम है लेकिन शोएब हिंदुस्तान के पक्ष में बोलते हैं इसीलिए उन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी। शाहिद अफरीदी कश्मीर से लेकर मोदी तक भी ऐसे मुखर हैं कि उनके दोस्त हरभजन सिंह भी उन्हें फटकार चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि ये दावा सच्चा या झूठा है, लेकिन अगर सच्चा है तो फिर इसकी क्रोनोलॉजी ये हो सकती है कि बाबर आजम के चचेरे भाई कामरान अकमल ये कहते हैं कि टीम अगर इस वर्ल्ड कप का पूरा मैच हार कर आती है तो बोर्ड में बदलाव होंगे, टीम मैनेजमेंट को बदलना होगा। आखिर दुनिया की टॉप टीमों में शुमार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अगर इतना बुरा खेलती है तो कोई ना कोई विभीषण तो जरूर है, वरना वर्ल्ड कप के सपनों की लंका सेमीफाइनल से पहले कैसे ध्वस्त हो जाएगी। पाकिस्तान की अफ्रीका से जब हार हुई तो हरभजन सिंह ने ट्वीट कर लिखा, खराब अंपायरिंग और खराब नियमों के कारण पाकिस्तान को ये मैच गंवाना पड़ा, आईसीसी को इस नियम को बदलना चाहिए, अगर गेंद स्टंप को लग रही है तो वो आउट है, चाहे अंपायर ने आउट दिया हो या फिर नॉट आउट, वरना तकनीकी का क्या इस्तेमाल है। हरभजन सिंह की इस बात पर साउथ अफ्रीका की पूर्व कप्तान ग्रेन स्मिथ कहते हैं, यही दर्द आपको अफ्रीकी खिलाड़ी रासी वैन डर डुसेन के गलत आउट दिए जाने पर भी होना चाहिए, लेकिन हरभजन को हर वक्त पाकिस्तान पहले दिखता है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएं कि कोविड के दौरान हरभजन सिंह ने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को दान देने के लिए ट्विटर पर कैंपेन चलाया था, जिसे देखते ही लोग भड़क उठे थे। तब हरभजन ने कहा था, मुझे किसी और से देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, देश के लिए खेला हूं और वर्ल्ड कप भी जीता हूं। हरभजन खुद बताते हैं कि अफरीदी मेरे लिए पाकिस्तान से अच्छे अच्छे गिफ्ट लाती हैं। तो सवाल है कि हरभजन क्या उसी को याद करके आज पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं या बात कुछ और थी। भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत करवाया था, तभी इसी तरह के सवाल उठे थे, लेकिन भारत ने स्वागत शायद इसलिए करवाया ताकि पाकिस्तानी टीम स्वागत में ही मशगूल रहे, और हुआ भी वही, ये अपना खेल भूल गए। बाबर आजम इस हार का दोषी पूरी टीम को ठहराते हैं और होना भी यही चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब बाबर खराब अंपायरिंग को दोष नहीं दे रहे हैं तो हरभजन सिंह बिना फीस के वकील क्यों बन रहे हैं।